हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिएगा और जो आपसे रेजोनेट नहीं हो उसे जाने दीजिए। गाइज, ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। ओके, सो गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं। आज रीडिंग करना चाहते हैं गाइज, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे। ओके, वह आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। Inner peace, resolving conflict, gardener, connection, divine feminine, reparenting yourself, forgiveness. Okay. यहाँ पर गाइस, ये पर्सन सबसे पहले यहाँ पर इनर पीस का कार्ड आया है। ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, पहली चीज गाइस, ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि इनकी मन की शांति भंग हो गई है। ठीक है, पहला मैसेज ये जो आपको देना चाहते हैं, पहली चीज जो ये आपसे कहना चाहते हैं वो इनर पीस के बारे में है। यानी कि इस पर्सन के मन में शांति नहीं है, इस पर्सन का जो पीस है वो कहीं ना कहीं गुम हो गया। बिकॉज इस पर्सन को पीस, इस पर्सन को शांति इस कनेक्शन में मिलती थी। ठीक है, जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ सोल सेटिस्फेक्शन का, इस पर्सन के साथ यही चीज है कि इनको इनकी सोल सेटिस्फाइड आपके साथ होती थी, सोल सेटिस्फेक्शन आपके साथ मिलता था, पीस गाइस से कहीं ना कहीं आपके साथ फील कर पाते थे। सो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि पर्सन कहीं ना कहीं आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे मन की शांति ही खो गई है, मुझे पीस ही नहीं मिलता है अब। ठीक है, ये लोगों के अंदर शांति को तलाश करते हैं। ठीक है, कहीं तो इनको कहीं ऐसी जगह मिल जाए, कोई तो ऐसा इंसान मिल जाए जिसके जिसके पास शांति हो, जिसके साथ बैठकर मन शांत हो, ऐसी एनर्जी है। ऑल्सो गाइज, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये कनेक्शन ये कनेक्शन को नहीं भुलाया जा सकता। ठीक है, कभी इस कनेक्शन को भुलाया नहीं जा सकता। एंड ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं, दैट ये पर्सन आपके और इनके जो भी म्यूचुअल सॉन्ग्स हैं उनको काफी ज्यादा सुनते हैं, बार 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 बार। ठीक है, हो सकता है रिंगटोन डाली हो ऐसी। ठीक है, सो ये पर्सन वो काफी सारे सॉन्ग्स जो है उनको काफी सुनते हैं एंड डेट्स को बहुत ज्यादा याद करते हैं। ठीक है, लव लेटर्स को काफी ज्यादा मिस करते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की लग रही है। सो ये कहीं ना कहीं आपसे ये कहना चाहते हैं यही सारी चीजें, ठीक है, यही डेट, यही मैसेजेस, यही सब मेरे मन की शांति थी जो अब मिसिंग है। ठीक है, अंदर से मेरी मन की शांति मिसिंग है। ओके, दूसरा मैसेज ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये भी कहना चाहते हैं कि ये सारी चीजों को रिजोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को रिजोल्व करना चाहते हैं बिकॉज ये आपको समझ गए हैं, आपकी पावर को समझ गए हैं। ओके, यहाँ पर पास्ट तक ये पर्सन के मन में बहुत सारे डाउट्स थे, क्लियर नहीं हो पा रहे थे, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी और कहीं ना कहीं आपको भी नहीं पहचान पा रहे थे। लेकिन अभी ना ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये चीज बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपकी वर्थ को रिकॉग्नाइज कर लिया है, इन्होंने समझा है आपकी वर्थ को, इन्होंने पहचाना है आपकी पावर को, इन्होंने जाना है आपको। आप इनके लिए बहुत यूनिक पर्सन है और वन एंड ओनली है गाइस। ठीक है, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी आपकी कोई जगह भी नहीं ले सकता। सो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी जगह को समझा है, सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, अपने ही अपने खुद के दिल में भी। ठीक है, और इसीलिए ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज इस लड़ाई झगड़े को यहीं पर बंद करते हैं और चीजों को रिजोल्व करते हैं, सारे लड़ाई झगड़ों की जो भी चल रहे हैं बीच में उनको सबको रिजोल्व करते हैं। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है और ये चीज है वो आपसे कहना चाहते हैं। ऑल्सो गाइज, गार्डनर का कार्ड है। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे ये भी बोलना चाहते हैं कि जैसा मैं तुम्हें मिला था पहले, ठीक है,
तब से लेकर मैं अभी तक अपने आप को बहुत बदल चुका हूँ, ठीक है, ये आपसे ये चीज कहना चाहते हैं, क्योंकि गार्डनर की एनर्जी दिखा रही है कि इस पर्सन के लिए जब आप इनकी लाइफ में आए थे तो ये जिस तरीके के इंसान थे उस हिसाब से रीपेरेंटिंग योर सेल्फ दिखा रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा बदल गए हैं, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और इस कनेक्शन पर भी बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, ऐसा ही आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहें, बिकॉज इन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया है, जिसके लिए ये हर दिन भी माफी मांगे तो कम है, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गिल्ट होता है और ये माफिया मांगते रहते हैं, इनको माफी मांगने वाली एनर्जी है, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे यही कहना चाहते हैं कि प्लीज माफ करो, ठीक है, और मैं ये सब कुछ तुमसे बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज पास्ट में मुझसे ऐसी गलतियां हो गई हैं कि मैं चाहकर भी उन चीजों को भुला नहीं सकता, ठीक है, और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए भी भुलाना आसान नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को जितना चाहो तुम उतना बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पहचाना है, मैंने तुम्हारी एनर्जीज को पहचाना है, मैंने तुम्हारी पावर को भी पहचाना है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। दो कार्ड्स यहाँ से लेते हैं, अगेन है लवर्स और मून, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं अगेन एम्प्रेस की एनर्जी है, वाओ, ये पर्सन अगेन आपसे ये चीज कहना चाहते हैं यहाँ पे, जो कह नहीं पा रहे कि इन्होंने अपने इमोशनल साइड को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, अपने फैमिली साइड को इन्होंने वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि अपनी फैमिली साइड को वैल्यू देने का मतलब है अपनी लाइफ में जो भी जितनी भी फैमिली अवेलेबल है, ठीक है, मदर हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, उन सबको रिस्पेक्ट करना, उन सभी को वैल्यू देना, ऐसे उस पर्सन ने यहाँ पर इमोशनल साइड को वैल्यू देना स्टार्ट किया है, अपनी लाइफ में फैमिलियन एनर्जी को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया है, और अगेन यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, सो ये पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप वास्तव में एक एम्प्रेस हैं और आप वास्तव में एक लग्जरी लाइफ, एक अमेजिंग लाइफ यहाँ पर डिजर्व करती हैं, एंड कहीं ना कहीं जिस तरीके से एम्प्रेस होती है उसका ख्याल रखा जाता है, उसको बहुत खुश रखा जाता है, उसी तरीके से मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, ठीक है, लवर्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी इन्होंने पास्ट में किया इस कनेक्शन को ना समझकर, इस कनेक्शन में ना समझी दिखाकर, अपने इमोशनल साइड को इग्नोर करके, अपने फैमिली साइड को इग्नोर करके, अपने अपने फीलिंग्स को इग्नोर करके, ठीक है, उन सारी चीजों के लिए आप इन्हें माफ कर दें, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने आप को बदल चुके हैं, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी समझ में आ रही है, ये चीजें वो आपसे कहना चाहते हैं, बट क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर लेवल पार हो सकता है आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर ली, कुछ इस हद तक ये पर्सन चले गए कि अब आपके लिए आसान नहीं है माफ करना, ठीक है, तो इनको पता है कहीं ना कहीं कि अब इतना आसान नहीं है आपकी माफी को लेना, सो ये पर्सन डर के मारे भी कहीं ना कहीं आपके पास नहीं आ पा रहे हैं और आपसे कुछ नहीं कह पा रहे हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड सी बॉटम से है मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अब इन्होंने अपने करियर में और अपनी लव लाइफ में बैलेंस बनाना सीख लिया है, ठीक है, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब मैं पहले की तरह करियर के पीछे और मनी के पीछे ज्यादा नहीं भागता हूँ, अब क्योंकि मैं हील हो चुका हूँ और मुझे ये चीज समझ में आ गई है कि मेरी हीलिंग का और हैप्पीनेस का दरवाजा तुमसे ही खुलता है, ठीक है, तो मैंने अब अपने लाइफ में, अपने करियर में और अपनी लव लाइफ में बैलेंस बनाना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि अब मैं अपने फैमिली साइड को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देता हूँ जितनी मैं अपनी मैस्कुलिन साइड को देता हूँ, जितना मैं अपने करियर को इंपॉर्टेंस देता हूँ उतना ही मैं तुम्हें भी इंपॉर्टेंस देता हूँ या देती हूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली ये समझ में आया है कि मेरी हीलिंग और हैप्पीनेस का दरवाजा तुम ही हो। ओके, ऑल्सो गाइज आपके पर्सन यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं, इस दिल के अलावा मुझे और कोई दिल नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीजें यहाँ से नजर आ रही हैं, ये चीजें गाइज वो आपसे बोलना चाहते हैं, बिकॉज इस दिल पर जैसे ये दिल ये पकड़े हुए है, ये दिल भी इनके हाथ में है, इट मीन्स कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ये बोलना चाहते हैं कि इस दिल को कोई और नहीं ले सकता है, कोई और इस पर राज नहीं कर सकता, ये राज करने का हक अधिकार सिर्फ आपका है,
और आपके पर्सन कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं, तो जैसे जैसे वो हील हो रहे हैं वैसे वैसे क्लैरिटी आ रही है और उनकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, ठीक है, और उन्हें समझ में आ रहा है कि खुशियां आखिर किसके साथ हैं, ये चीजें यहां से नजर आ रही हैं। सिक्स ऑफ फाइव ऑफ कप, सिक्स ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, चैरियट, टू ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन गाइस कहीं ना कहीं आपसे ये भी बोलते हैं, बोलना चाहते हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, नहीं कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं, कि मैंने जो भी डिसीजन लिया उसके लिए आज मैं बहुत ज्यादा पछताता हूँ, ठीक है, अगेन वही है कि मुझे माफ करो। यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ऊपर फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी, अपने लिए गए डिसीजन पर, अपने चुने गए वैंड पर इस पर्सन को आज रिग्रेट होता है। ये पर्सन आपसे ये चीज कहना चाहते हैं, बहुत ही क्लियर मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। डिवाइन आपको कोई भी यू नो उलझन में नहीं डालना चाहते, वो आपको बहुत ही क्लियर क्लियर कट कट मैसेजेस देते हैं। लास्ट में गाइस हम लोग यू नो लव मैसेजेस भी देखेंगे। ये पर्सन आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जो भी इन्होंने आपके साथ डिसाइड किया था उस चीज पर आज ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज्यादा इनको पछतावा होता है कि इन्होंने ऐसा डिसीजन यहाँ पर क्यों लिया, क्यों इन्होंने इस तरीके से यू नो डिसाइड किया। दूसरी चीज जो आपसे ये कहना चाहते हैं वो ये कि ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये चीजें भी वो आपसे यू नो कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे। अगेन वही फॉरगिवनेस के कार्ड, ये बॉटम से आ गया और जब भी मैं बोलने जाती हूँ ये कार्ड दिख जाता है, तो वही है गाइस कि इनको लग रहा है कि आपसे माफी नहीं मिलेगी, इसलिए ये चीजें वो आपसे कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन आपसे ये चीज कहना चाहते हैं कि यू नो ये सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर आपकी तरफ रिटर्न आना चाहते हैं, आपके साथ यू नो रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अगेन यहाँ पर वेंट्स और पेंटिकल्स की एनर्जी, पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, आप यू नो कुछ नहीं तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप फ्रेंडशिप ही कर लो इससे, ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके टच में बेसिकली रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप कुछ नहीं तो इनसे बात ही करते रहे, बिकॉज अगर आप बिल्कुल माफी नहीं देना चाहते तो कम से कम फ्रेंड तो बना ही लीजिए, ठीक है, आप जीवन साथी भले ही ना बनाए, बिकॉज इस पर्सन के लिए मुझे इनकी एनर्जी से ऐसा दिखाई देता है कि इनको ऐसा है कि फ्रेंड ही बन जाओ, कुछ तो यू नो बस इतना ही हो जाए कि कम से कम बात ही होती रहे, इस पर्सन की एनर्जी में ये नजर आ रहा है गाइस, ठीक है, ये चीजें वो आपसे बोलना चाहते हैं कि किसी भी चीज के लिए नहीं मान सकती हो या नहीं मान सकते हो, कनेक्शन के लिए नहीं मान सकते हो तो एटलीस्ट बात करने के लिए मान जाओ कि जब भी मन हो तो तुमसे बात हो पाए, ऐसा मुझे इस पर्सन की एनर्जी में फील हो रहा है गाइस, ठीक है, रेजोनेट हो तो बताइएगा। यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जब से इन्होंने आपका दिल छल्ली किया है तब से ये पर्सन भी दुख के घेरों में है, ठीक है, तब से ये पर्सन भी बहुत दुखी है और इसी तरीके से इनकी जिंदगी कट रही है जब से इन्होंने आपके साथ यू नो आपके दिल को यहाँ पर ठेस पहुंचाई है, ठीक है, इनको एक पल के लिए भी सुकून नहीं आता है, एक पल के लिए भी चैन नहीं आता है जब भी ये सोच लेते हैं कि इन्होंने किसका दिल यहाँ पर तोड़ा, ठीक है, तब ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसी तरीके से रातों में उठ जाते हैं, यू नो सो नहीं पाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जब से तुम्हारे साथ मैंने ये किया, जब से तुम्हारा दिल टूटा है तब से मेरी रातों की नींद उड़ गई है, ठीक है। यहां पर कहीं ना कहीं गाइस ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरी
इतनी सारी ख्वाहिशें पूरी होने के बाद भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करूंगा। मुझे कभी नहीं लगा था कि इतनी सारी ख्वाहिशें पूरी होने के बाद भी मैं अपने आप को कभी अकेला महसूस करूंगा। आज मुझे समझ में आता है कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी अभी भी नहीं है। मेरे पास जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आज भी नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है गाइस, ठीक है? ये चीजें वो आपसे बोलना चाहते हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स है एंड नाइन ऑफ वैंड्स है। ये पर्सन आज भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, जबकि इनकी ऑलमोस्ट सारी विशेष पूरी हो चुकी हैं, ठीक है? लेकिन इसके बाद भी अगर ये अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, इट मीन्स कि इनको कुछ ऐसा है अधूरा जो अभी भी नहीं मिला है, और कहीं ना कहीं वो अधूरे आपको गाइस जो नहीं मिले हो। इसके अलावा चैरियट एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपके यहाँ पर पर्सन ये भी मैसेज दे रहे हैं कि ये आपको इसी तरीके से ग्रो करते हुए देख रहे हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में पोजीशन अचीव कर रहे हो, कैसे आप स्ट्रांग पोजीशन पे जा रहे हो, लीडरशिप में जा रहे हो, और ये पर्सन इसी तरीके से आपको बस स्टॉक करते रहते हैं और आपको देखते रहते हैं, ठीक है? ये कहीं ना कहीं आपसे ये भी बोलना चाहते हैं कि आपके पास वापस आना चाहते हैं। फिलहाल तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दूर से ही देख रहे हैं, लेकिन ये चीजें वो आपसे बोलना चाहते हैं कि प्लीज मुझे मेरी मुझे अपनी लाइफ में वापस दे दो। कुछ नहीं कर सकता, एटलीस्ट फ्रेंड की जगह ही वापस दे दो, ठीक है? ये चीजें मुझे इस पर्सन की नजर आ रही है जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है? कहते हुए उनको बहुत 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 ज्यादा मेहनत लगेगी, बिकॉज कहते समय इनको आपसे डर लग रहा है, ठीक है? मैसेज देखते हैं। यहाँ पर मैसेज है, माई ओन डार्कनेस इज कीपिंग मी अवे फ्रॉम यू। आपके पर्सन कह रहे हैं, मेरी खुद की कमियां, मेरी खुद की डार्कनेस ने मुझे तुमसे दूर किया है। यू हैव सच अ लवली स्माइल, इट कैन वार्म अप एनी कोल्ड हार्ट। आपके पर्सन कह रहे हैं, आपकी जो स्माइल है वो बहुत ज्यादा प्यारी है, बहुत ज्यादा लवली है। ये किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकती है। आई एम रिलीजिंग द थर्ड पार्टी, आगे पर्सन कह रहे हैं, मैं जो भी थर्ड पार्टी उसे रिलीज कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू फेस माई फियर्स विथ रिगार्ड्स टू माई सेल्फ एंड द कनेक्शन। मैं अपने सारे डर को फेस करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, खुद के लिए और इस कनेक्शन के लिए। यू आर द वन आई ऑलवेज प्रेड फॉर, तो एक तुम ही अकेले हो जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहा हूँ, करता हूँ। यू आर द ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउट, और आप बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल है अंदर से और बाहर से। हम फिर मिलेंगे, दो प्यार करने वालों को कोई जुदा नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे माफ करोगे, आई एम सॉरी। मैं बोल ही रही थी आपसे, क्या तुम मुझे माफ करोगे, आई एम सॉरी। आई एम इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है और रिलीज कर रहे हैं। प्लीज रिलीज एक्सपेक्टेशन ऑन मी। ये पर्सन एक चीज बोलते हैं कि को डिपेंडेंसी में मत जाइए इस कनेक्शन के साथ, क्योंकि ये पर्सन ये बोलते हैं कि आप जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं वो चीजें खराब हो जाती हैं। आई विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन, विल यू मैरी मी। आप लोग यार, मैं इस कनेक्शन लिए फाइट करूंगा, क्या आप शादी करेंगे? ओके सो गाइज, ये आप लोगों के मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं। रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइज ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपकी रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।